जय जुलेलाल, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबको बहुत एक प्यारी कथा सुना रही हूँ। एक औरत थी, उसका बेटा फॉरेन चला गया था कमाने के लिए, और एक साल से ज़्यादा हो गया वहाँ से कोई चिट्ठी पत्र कुछ नहीं। वो बेचारी हमेशा दुखी रहती थी। कहते हैं अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसका फल अच्छा ही मिलता है, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल हमें बुरा मिलेगा। तो एक दिन वो बैठी थी खिड़की पर अपने बेटे के इंतज़ार में, तो एक फ़कीर वहाँ से जा रहा था और वो बोलता जा रहा था, अच्छाई का बाणा प्रभु अच्छा देगा, बुराई का फल बुरा मिलेगा। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस फ़कीर को खाना खिला दूँ, और उसने नियम बना दिया। रोज़ उसे घी की चपाती बना के अच्छे से खाना खिलाती थी, देती थी रोज़ नियम से। ऐसे एक महीना पूरा गुजर गया लेकिन इसका बेटा नहीं आया। उसके मन में था कि ज़रूर मेरा बेटा आएगा क्योंकि मैं ये अच्छा कर्म कर रही हूँ, उसके मन में ये भाव आया। और अचानक एक दिन बहुत उदास हो गई। एक महीने से बोली मैंने इसको खाना खिलाया, अभी तक मेरे बेटे का कोई भी अता पता नहीं। तो बहुत वो दुखी हो गई और उसने सोचा आज मैं इसको एक जहर डाल के चपाती दे रही हूँ, रोज़ बोलता है अच्छा होगा अच्छा होगा, अच्छा हो ही नहीं रहा है, इससे अच्छा मैं इसे ही मार दूँ। और जैसे चपाती में जहर डाल के उसके लिए लेके आई, फिर उसके मन में भाव आया, अरे ये भी तो किसका बेटा होगा, मैं क्यों किसको मार रही हूँ। और फिर जाके अच्छी चपाती घी लगा के उसको दे दी, और फ़कीर वही बात बोलता चला गया, अच्छाई का बदला अच्छा मिलेगा, बुराई का बदला बुरा मिलेगा। और वो औरत फिर खिड़की पे ही बैठी रही। जैसे बैठी रही शाम हुई तो सामने से उसने देखा उसका बेटा आ रहा है फटे हुए कपड़े। वो एकदम अचानक दुखी हो गई और भागते भागते बेटे को गले लगाया और पूछा, बेटा क्या हुआ, तू ऐसा क्यों, तू तो बाहर गया था। बोले माँ मैंने बहुत वहाँ कमाया और जैसे आ रहा था तो हमारा प्लेन है ना क्रैश हो गया, और मेरा जो मैं एक कोने में पड़ा किसको मालूम ही नहीं पड़ा। दो दिन के बाद एक वहाँ से आदमी गुजरा, उस आदमी ने मुझे चपाती खिलाई, माँ चपाती ऐसे लग रही थी जैसे आपने बनाई है। तो माँ उसको गले लगा के रो रही है, पूछ रही है वो कुछ आदमी बोल रहा था क्या। हाँ माँ वो बोल रहा था अच्छाई का बदला अच्छा मिलेगा, बुराई का फल बुरा मिलेगा। तो उसके आंखों से आंसू बनने लगे, वो औरत सोचने लगी अगर मैंने आज जहर की चपाती दी तो मेरा बेटा आज इस दुनिया में होता, अच्छा हुआ मैंने अच्छा कर्म किया। तो हमें भी सत्य कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म, दूसरों का भला करना चाहिए, जो बोएंगे वो ही फल पाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय झूलेलाल।